247,000 के करीब बच्चों इन्होंने लिखित परीक्षा में बुलाए थे। अब आप देखेंगे कि ये आज की खबर ऐसा थी, इसमें आपको दिखेगा कि लेखपाल के 5,685 पदों पर नई भर्ती होगी। कैसे, इसमें क्या कह रखा है, इसमें साथी 3600 तो नए पद राजस्व लेखपाल के, 3600 नए पद सृजित किए गए। इसके अतिरिक्त जो पहले से 2085 खाली पद है वो भी, बाद में कहा गया कि राजस्व लेखपाल के मूल पद 27,237 है, इसे बढ़ाकर 30,837 करने की तैयारी है। मूल पदों की संख्या बढ़ने के बाद 3600 पदों पर अतिरिक्त और मौजूदा खाली 8,085 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। टोटल 10,170 पद खाली थे जिनपे 8,085 के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो 2085 उसमें से बचे, तो इसलिए टोटल मिलाकर 5,685 पदों पर यह भर्ती होनी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि इसमें यूपी ट्रिपल एससी इस भर्ती को आयोजित कराता है, 8,085 भी उसी के अंदर है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों को समझ लेते हैं कि ये जो नई भर्ती होगी इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है साथी कि आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए, आपने साथी 12th आप पास होनी चाहिए, आपकी जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष के दरमियान होनी चाहिए, 18 से 40 वर्ष, और बाकी आरक्षित वर्गों को इसमें छूट भी है, एससी एसटी ओबीसी इत्यादि को आरक्षित वर्गों को छूट भी है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 18 से 40 वर्ष, 12वीं पास। इसके अतिरिक्त इसमें आपके पास पैट का स्कोर होना चाहिए, पैट का स्कोर। अब एक चीज यहीं पर आपको ध्यान देने वाली बात है, पैट का स्कोर कि क्या यह साथी 2021 से होगी या जो पैट 2022 होना उससे होगी। तो मेरा अनुमान यह कहता है कि यह जो भर्ती होगी यह पैट 2022 से होगी। कारण क्या है उसका, क्योंकि पैट 2021 के जो भर्ती है वो भी 8,085 पदों पर भर्ती चल रही है, इसका रिजल्ट आने में, इस भर्ती को पूरा होने में समय लगेगा, तब तक आपका पैट 2022 भी हो जाएगा, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और यह बात बिल्कुल है कि अक्टूबर 2022 के बाद में जितनी भी मुख्य परीक्षा होंगी वो साथी सभी मुख्य परीक्षा किससे होंगी, पैट 2022 के स्कोर से होंगी। अब अगर हम लोग पैट 2022 के स्कोर को देखें कि कितना क्या अनुमान है, तो पैट 2021 के हिसाब से जो 8,085 पदों पर भर्ती हुई है, 8,085 पद के लिए साथी आप देखेंगे कि 62+ ये जनरल की, ओबीसी इत्यादि, ईडब्ल्यूएस की मेरिट गई थी, और महिलाओं के लिए देखोगे तो मेरिट लगभग 64+ गई थी, मतलब पैट के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इतने ज्यादा मेरिट गई थी जब पद 8,085 से। यदि पद 5,685 के करीब होंगे, जैसा कि इसमें अनुमान है कि 5,685, और इस बार पेपर देने वालों की संख्या कितनी रहनी है, 30,00,000+ रहनी है, तो आप साथी 75 के आसपास तो इसकी कट ऑफ मानकर चलिए। तो पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए कि आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट को, यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 में आपके कम से कम रो मार्क्स बच्चा 75+ होने ही चाहिए, और गलती आपकी 0, जो नहीं आता बिल्कुल छोड़, जिससे कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कुछ फायदा हो और ये 75-78 आपके कम से कम पहुंच जाए। इसलिए आपसे कहते कहते कि 80-85 का टारगेट रखिए तो एकदम सेफ है कि आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया ही जाएगा, क्योंकि अगर 8,085 के लिए 247,000 बच्चे बुलाए गए थे तो 5,685 के लिए अधिकतम 1,50,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, तो एक कट ऑफ ज्यादा जाएगी जाएगी, मिनिमम न्यूनतम इतना तो अपना लक्ष्य रखना, और अगर 80-85 के बीच में आ जाता है तो यह बहुत ज्यादा सेफ है। तो पहली बात तो आपके पास पैट का स्कोर हो, उसके बाद में साथ ही इसकी मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा 100 नंबर की होती है, 100 नंबर की 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर 100 ही इसमें प्रश्न होते हैं, और 1/4 इसमें निगेटिव होती है, अर्थात 0.25 नंबर आपका निगेटिव में कटता है।
हिंदी के 25 क्वेश्चन, हिंदी के 25 क्वेश्चन, साथ ही समय गणित के 25 क्वेश्चन, इसमें साथ ही सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन और ग्राम्य समाज एवं विकास इसके 25 क्वेश्चन। ग्राम्य समाज इसके साथ तो उन्होंने इस बार मजाक ही कर दिया, इसके ये पेपर बहुत ही इजी आता है, बहुत ज्यादा इजी। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं बच्चे इतने कम मार्क्स बता रहे हैं, बहुत कुछ अच्छे बच्चे अच्छे मार्क्स भी बता रहे हैं, ये बहुत इजी पेपर आता है। अभी आया बहुत ज्यादा इजी कि ग्राम में समाज विकास में योजना योजना भर दी, अपनी ग्राम समाज की ना भर के दुनिया भर की योजना। जीके भी बहुत इजी जिसे कहते हैं, गणित भी 20 सवाल 22 सवाल ऐसे थे, बिल्कुल ज्यादा कोई उसमें 3-5 करने की आवश्यकता ही नहीं थी। और हिंदी भी खूब सरल सटीकता से पढ़ी हो तो ये इसका क्या हो जाता है नॉर्मल, इसका सिलेबस आप चेक कर सकते हैं। हम लोग साथी इसका डिस्क्रिप्शन इत्यादि में भी लिंक लगा के सिलेबस डाल देंगे।